अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जोशी है। सर आप आज जो कुआं पुल के अंदर जो भरनी की जा रही है अवैध तरीके से, वहां पर आप आए थे, आपने सर्वे किया, क्या पूरा मामला है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? चूहा पुल से लेके साबे गांव तक ये जो हम लोग जो रास्ते पे खड़े हैं, वो रास्ते का निर्माण 3-4 साल पहले चालू हुआ था और मुझे अभी यहाँ पे मैं 3 साल के बाद आया हूँ। 3 साल पहले जब ये भरणी चालू हुआ था, ये भरणी माफिया था, अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा तरह से यहाँ पे भरणी हुआ था और तभी मेरा जो कंप्लेंट था, जो वेटलैंड कमेटी है उसका मैं सदस्य हूँ, तो यहाँ पे जब भी हम लोग ने कार्रवाई की थी तब से आज 3 साल हो गए इसके बीच में और यहाँ पे मैं आके ये देख रहा हूँ कि तब की हालत और अब की हालत। मैं अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे जो है वो चूहा ब्रिज के यहाँ पे जो अपनी जो खाड़ी है, थाने खाड़ी मुमरा की, वो एक आपको क्षेत्र दिख रहा है। ऐसे ही वो ये साइड पे भी था लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ की खाड़ी बची ही नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी हाल फिलहाल में ही चालू हुई है। आपको अगर मालूम रहेगा तो जैसे कोविड के टाइम पे यंत्रणाएं कोविड को हटाने में लगी हुई थी और उसका गैरफायदा उठा के ये भरणी माफिया एकदम से एक्टिव हो गया। अभी क्या है, अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के टाइम पे भी जो यंत्रणा है उसके ऊपर इलेक्शन का काम, इलेक्शन का ड्यूटी, वो सब तो ये तो काम उनके जो रहते हैं, उसकी वजह से ये भरणी माफिया वापस एक्टिव हुआ दिखता है। हमें अभी जो दिख रहा है ये सब जो सर्वे नंबर्स है, अभी एग्जैक्टली मैंने सब सर्वे नंबर्स मैंने टैली नहीं किया है लेकिन जब तक मेरी जानकारी है यहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग वन विभाग जो है उनका जो मैंग्रोव सेल है उसको महसूल विभाग से ये पूरी की पूरी जमीन सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर हैंड ओवर हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन भी निकाला था। उसमें से कई सारी जमीन 300-350 एकड़ जमीन ये वन विभाग की जमीन छोड़ के प्राइवेट जमीन है लेकिन ये पूरी की पूरी जमीन जो है ये CRZ हैंड ओवर किसकी, ये फॉरेस्ट को हैंड ओवर हुई थी। दो सेक्शन जो भारतीय वन अधिनियम जो कानून है उसके तहत सेक्शन 4 और सेक्शन 20 के अंदर ये जमीन महसूल विभाग से फॉरेस्ट को हैंड ओवर हुई थी। मैं खुद वो कार्रवाई के लिए यहाँ पे उपस्थित था, वो टाइम पे 2020 की बात है, तभी यहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन थे वो तोड़ दिए गए थे। यहाँ पे एक मैरिज हॉल था वो भी तोड़ दिया गया था। यहाँ पे वापिस इस प्रकार भरणी ना हो इसके लिए ट्रेंच मारे गए थे और जो MSF रहता है, जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है, वो 165 सुरक्षा कर्मी उन लोग ने फॉरेस्ट विभाग ने स्टेट से एक स्पेशल ये लेके यहाँ पे लगाए थे। अभी मैं आ रहा हूँ तो मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है ये सब कि उनका यहाँ पे इधर भी ये MS जो महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स है उनका यहाँ पे चौकी था, वो चौकी गायब है आज। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अंदर जहाँ पे ये काम चालू है वहां पे पुलिस का एक वैगन खड़ा है और पुलिस की आंखों के सामने ये सब भरणी माफिया यहाँ पे कार्यरत है। तो ये बहुत शॉकिंग चीज है। आप पीछे भी दिखाओगे, मैं पत्रकार बंधुओं को थोड़ा ये करूंगा कि वहां पे अभी भी दिख रहा है कि रेती का धंधा तो चालू ही है, मतलब जहाँ पे रेती निकालने के लिए ये बार्ज रोज के रोज धड़ल्ले से कितना सारा अपना खाड़ी के अंदर से सब वो निकाल रहे हैं और उसके लिए भी महसूल विभाग का यहाँ पे कोई भी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। और ये हमेशा ये बहाना बनाया जाता है कि ये इलेक्शन ड्यूटी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे भूमिपुत्र है, काफी सारे दीवा गांव से या मुमरा से काफी सारे एक्टिविस्ट है, इन्होंने बार बार कम से कम पिछले 2 महीने में इन्होंने इतनी सारी कंप्लेंट की है लेकिन एक की भी ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी अभी तक प्रशासन के यहाँ से, पुलिस प्रशासन रहेगा, महसूल रहेगा या फॉरेस्ट, तो हर एक की जवाबदारी है इसमें। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट बोलेगा ये उसकी जवाबदेही है या उसकी जवाबदेही है। इसमें सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये जो रास्ता जहाँ पे हम लोग खड़े वही इल्लीगल है, तो बाकी का तो बात छोड़ दो। जिसकी किसकी जमीन रहेगी, फॉरेस्ट की भी रहेगी, महसूल की भी रहेगी या प्राइवेट भी रहेगी, यहाँ पे कौन से भी तरीके से ये काम नहीं किया जा सकता। आज आप दिखाओ दर्शकों को, मुमरा वासियों को दिखाओ, साबे गांव वासियों को, दीवा वासियों को दिखाओ कि इसकी वजह से ये आने वाली बारिश में उनके घर पानी के नीचे जाने से कोई नहीं रोक। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो महसूल डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो यहाँ का जो है दीवा प्रभाग समिति थाने महानगर पालिका है, तो
इन लोगों के नॉलेज में ये सब काम हो रहा है, जानकारी में हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यंत्रणा, हर एक का विजिलेंस डिपार्टमेंट रहता है, तो उनको नहीं मालूम है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आपको सबको मालूम है, यहाँ का एक पत्थर भी हिलेगा तो इधर के पुलिस स्टेशन को भी मालूम पड़ता है, महसूल विभाग को भी मालूम पड़ता है, और ठाणे मनका भी मालूम पड़ता है। तो मुझे ये ऐसा बोलना नहीं है, ये मेरा आरोप है कि उनके संगन मत से ही ये सब कार्रवाई चल रही है। और बारिश के टाइम पर सर, अभी अनकरीब है मानसून, और बारिश अगर आ गई, खुदा ना खास्ता पानी का ज्यादा भराव हो गया, तो दिवा का क्या होगा और मुमरा का क्या होगा? कि जैसे 2005 में बाढ़ आई थी, लाशें जो है वो पेड़ पर लटकी दिखाई दी थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, तो कैसी दशा होगी? जिस तरीके से भरनी की जा रही है, मैंग्रोव खत्म किया जा रहा है, तालाब को पाटा जा रहा है, झाड़ काटे जा रहे हैं, खुले आम एकदम से अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हर एक व्यक्ति है जिसके पास ये जवाबदारी है कि इसको रोके, जो कानून के तहत जो भी उसके ऊपर आपको कार्यवाही करनी चाहिए, वो जो नहीं कर रहा है, वो हर एक आदमी इसके लिए जवाबदार है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि या मुमरा या कौसा या दीवा, ये गांव पानी में जाने से कोई डूबने से नहीं बचा सकता, इसकी वजह भी आप देख लो, आपके पीछे जो पारसिक पहाड़ है वहां से पूरा जो पानी का सैलाब, जो पानी का आएगा, वो जाना कहाँ पे चाहिए? खाड़ी में। अगर आपने खाड़ी ही नहीं रखा, मैंग्रोव ही नहीं रखा, तो वो पूरा आपके घरों में घुसने वाला है। तो इसके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज है, और हर एक मुमरा वासियों तक मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं पहुंचना चाहता हूं, और उनको बताना चाहता हूं कि आप भी यहां पे आके, आप भी सैकड़ों की संख्या में आके उनके सामने धरना आंदोलन कीजिए, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा में जो चालू है, और फिर मुमरा कोसा और दीवा को बचाने वाला कोई नहीं। रोहित सर, आप जिस तरीके से यहाँ पे आज आए थे, आप ये भरनी माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, अभी वेटलैंड कमेटी का मेंबर की हैसियत से मैं ये चीज तो पक्का करूंगा कि इसका रिपोर्टिंग जो है वो हाईकोर्ट को करूंगा। अगर ये रुकता नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक ये भरनी माफिया नहीं रुकता, ये काम स्टॉप नहीं होता है, उसके आगे जितना जो भी लड़ाई रहेगा मैं करते रहूंगा। सर, एक बोर्ड है वहां पर, तो जरा देखेंगे वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, किस डिपार्टमेंट का बोर्ड है जो तीन साल पहले कार्यवाही हुई थी। मैंने यही बताया कि ये सब जो एरिया है, यहाँ पे सर्वे नंबर जो है वो पहले महसूल विभाग के पास थे, जो सेक्शन 4 और सेक्शन 20 में जो उन्होंने ट्रांसफर किया, हैंडओवर किया महसूल विभाग से वन विभाग में, तभी मैं वन विभाग का भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाए थे कि यहाँ पे कौन सी भी तरह का ट्रेस पासिंग या कौन सी भी तरह का आवाजाही पे रोक है, और वो बोर्ड उन्होंने लगाया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि उनका चौकी यहाँ पे नहीं है, तो ये सिर्फ बोर्ड अभी दाम के लिए बचा है। अभी मुझे लगता नहीं है कि इसको ये भगवान भरोसे छोड़ दिया यंत्रणा ने, और मुझे लगता है कि अभी मालूम नहीं है अभी इसका क्या होने वाला है, लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले बारिश में हम लोग मुमरा को बचते हुए देखेंगे। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति होगा, बहुत बदहाल हो जाएगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे आपने बताया वो 2005 तक जाने का जरूरत नहीं है, आपने पिछले साल भी देखा रहेगा कि मुमरा में कैसा पूरा कौसा मुमरा भर गया था। उसकी मेन वजह यही है कि ये सब जो अपना वेटलैंड्स है वो अपना नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, जो कोई भी अतिरिक्त पानी रहेगा वो पूरा एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, उसके ऊपर मैंग्रोव, और उसके ऊपर अगर आप भरणी करोगे तो क्या होने वाला है, आपके घर पे पानी रोकने से कोई नहीं रोक सकता।